सुल्तान रही बन के आवा लेकिन की करा पाजी ये उदो ही होना जो अल्लाह ने बाण फड़नी तो मजे खान साहब ने म्यूजिक डायरेक्टर है बड़े चंगे है बड़ा आला गाते हैं तो मैं बुलान लगे आना मजे खान साहब कम पानी देना ते पर पर मशका पावे ते मालिक दा कम फल फुल लाउणा ते लावे जाना लावे ओ हो की कर रहे भी शैतान दे सराणे चोरी जमे तेरे मां प्यो की मंगनी हुई तू पैदा हो गया किथे पैदा जिथे सवाल भी पैदा नहीं हों तू मस्जिद च ला आया जो तू पैदा होया अच्छा हजरात हवेलो की होने लग पाया और मैं तेन ये कह रहा कि गाने गुणिया का रियाज करया कर ते खान साहब को डरया कर मैं भी यही तुहानू कह रहा मजे खान साहब के नवीं फिल्म नवे म्यूजिक चलाओ 1997 दे म्यूजिक चलाई जाते हो प्यार किसे डूरा सुनावे मुटियारानू जहर पियावे डूंगे पानिया विच ले जावे डूंगे पानिया विच ले जावे नाले देना करना नहीं अड़ियो प्यार का करना अरे सर प्यार करना ना तुसे हाँ जी ते माँ पे नल करना है क्योंकि सियाने सही कहने रे की कहने रे फोन नल फनकार जिंदा हाँ दौलत नल इंसान जिंदा हाँ दुनिया उत्ते खुश नसीबे हो बंदा पाजी जिंदी दुनिया उत्ते माँ जिंदा वाह एडिया अच्छिया गल्ला कर रहे हैं सुबह मर जाना तू चला अंदर हाँ साहब तू देखिए हाँ ये होया तो की नहीं होया हाँ वाला अरे रोना पाई रखते सारी जिम्मेदारी मेरी है ना मैडम आंदे पुछेगी कि जरान है बेडशीट चेंज है नक्शा का खाना तैयार है मैं कह रही सब कुछ तैयार है कोई ऐसी गल नहीं मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे मैडम का ब्याह हो 2000 बच्चे हो जाए तो उन्होंने जिम्मेदारी बच जाए तो मेरी जान भी छूट जाए मैं क्या भाजी कुछ समझ आ रही कि नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी नर्सिंग हॉस्टल भाजी ये कि गल है क्योंकि जीना आप एक ब्रांड है एडे बड़े हॉस्टल का मालक है अब इन होने मैडम की आवाज आएगी चीना जी ना जब मैं सानू भी लगे जी कपड़े आ गए ने तो जाके चेक कर लो अच्छा मेरी बात सुने सुबह के कितने बजे खुला था पूरे 6 बजे और बंद कितने बजे हुआ था रात को पूरे 9 बजे सही कह रही आप जी जी और वो नाश्ते के इंतजाम होंगे हाँ नाश्ते का सारे नाश्ता तैयार अंडे पराठे लस्सी हाँ जी अंडे पराठे 2 पराठे तो 6 अंडे मैं खा के आप चेक किया लस्सी थोड़ा दिमाग कितना घट सी मीठा पाया ऐसी करके खोल के पी के मैं पूरा कर दिया बिल्कुल ठीक है ना हाँ जी बिल्कुल ठीक अच्छा वो सागर साहब की कॉल आई थी वो आ रहे हैं कि नहीं सागर साहब मुझे खुद नहीं पता वो कौन है उनका और जो भी है तुहानू पता लग जाएगा के सागर कौन है अस्सलाम वालेकुम मैडम वालेकुम सलाम जी ओ ठीक है तो कटिया लोगों नु असि ज्यादा मिलते नहीं तू कमी कमी नौकर जाते मैडम प्यारे ने मैडम इस तरह प्यारे के मेकअप तो बाद बगैर बेड़ा गर्क हो जाता थोड़ा इजी है ना तुझी मैडम मैरी जी लगता तुसी मैंने पहचाने नहीं, नहीं मेरा नाम सागर कबीर खान का सेक्रेटरी
ਤਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਕੰਨ ਫੜ ਲੋ, ਗੱਲ ਫੜ ਲੋ। ਬੜਾ ਕੰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਜਨ ਅੱਛਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਤਿੰਦਰ ਅੰਗੀਰਾ ਮਨੋਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਕੀ ਆਈਟਮ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਸਟਲ ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਲਾਣ ਕਰ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਆ ਜਾਓ। अस्सलामुअलैकुम। हाँ साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मैं कबीर प्रोडक्शन का मालिक राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर कबीर खान। आप सोचती होंगी कि मैं यहाँ पे क्यों आया और कैसे आया। दरअसल आपके हॉस्टल में मेरे दोस्त की बेटी जन्नत पढ़ती है, उसने मेरी फिल्म पढ़ी और देखी और उसने देखा कि मैं अपनी फिल्म की शूटिंग यहाँ करना चाहता हूँ। क्या मुझे इजाजत देगी कि मैं आपके इस हॉस्टल में अपने फिल्म की शूटिंग कर सकूं? जी नहीं, इस चीज की मैं आपको इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकती। इसके लिए आपको हर अथॉरिटी से इजाजत लेनी पड़ेगी, और अगर आपको इजाजत मिल जाती है तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आपसे कल मुलाकात होगी, मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ, लेकिन इजाजतनामे के साथ गुड बाय। सुनिए खान साहब, जब आपको इजाजत मिल जाए तो मुझे शूटिंग जरूर दिखाइएगा, मुझे शूटिंग देखने का बहुत शौक है। शूटिंग की खान साहब नु बवासीर भी बखा देंगे। मजाक सागर। सॉरी सर, सॉरी सॉरी जी। पहले मुझे इजाजत नामा मिल जाए मैं ले आऊं, और फिर उसके बाद मैं अपने स्टाफ से कहूंगा कि फिल्म की एक्स बंदी आपको भी दिखाइए। अब मुझे जाने की इजाजत है। सुनिए खान साहब, आप यहाँ पहली दफा आए हैं और गर्मी बहुत ज्यादा है, कोई जूस या ठंडी लस्सी वगैरह पी लीजिए। नहीं जी, सानू एयर कूलर लगा दे। मजाक कर रहे हैं, तुसी करो तुसी। इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं मैडम, गुड बाय। खान साहब, ये सारे जो कल पढ़ाने डे है सिलसिला किया, इन्हों ने तारक करवाया कौन है? ये मेरी जिंद है, ये मेरी जान है, ये मेरी सांसें हैं, इसके बगैर कबीर एक टके का नहीं है, और कबीर के बगैर सागर कुछ नहीं है। बकवास ना करे अगर। मजाक खान साहब, मजाक। इसकी यही आदत तो हमें गर्विता करती है, हर वक्त हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है। सुनिए खान साहब, जब मुझे पता चला था कि फिल्म के राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर आ गए तो मैं तो बहुत डर गई थी, क्योंकि उनके साथ तो 10-12 गनमैन 2-400 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, लेकिन आप तो बहुत सॉफ्ट से इंसान।